पिछले एपिसोड में आपने देखा, सारी जस्टिस लीग ग्रीन एरो यानी ओलिवर क्विन के फ्यूनरल में आए थे। सबके जाने के बाद सुपरमैन डायना से मिलने आता है, जहां उसे पता चलता है कि डायना प्रेग्नेंट है। फिर हम देखते हैं बैटमैन को, जो कि अब डॉक्टर फेट के टावर में ठीक हो रहा है। दूसरी तरफ सिनेस्ट्रो काइल रेनर को पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है, ये बताते हुए कि एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। यह है ग्रीन लैंटर्न कॉप्स का घर ओआ, जहां से गार्डियंस पूरे यूनिवर्स पर नजर रखते हैं। वहां पे एक गार्डियन गैंथेट से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है। गैंथेट बोलता है कि अर्थ पर कुछ हो रहा है, अर्थ पर सारी ताकत किसी और ने अपने हाथ में ले ली है। दूसरा गार्डियन कहता है कि वो बस एक छोटा सा प्लैनेट ही तो है। गैंथेट समझाता है कि नहीं, वो सेंटर है जहां से कई सारे हीरोज, विलन्स, वॉर्स और इवेंट्स हुए हैं, और अब एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसको इग्नोर करना हमारे लिए रिस्क होगा। दूसरा गार्डियन पूछता है कि क्या तुमने उस सेक्टर के ग्रीन लैंटर्न हेल जॉर्डन से बात करी। गैंथेट कहता है कि मुझे डर है कि कहीं वो भी इन सब में इन्वॉल्व ना हो। हालांकि कई हमारे मेंबर हमसे नाराज़ रहते हैं कि हम बड़े इवेंट्स पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। गार्डियंस उससे पूछते हैं कि बताओ क्या करें। गैंथेट कहता है कि हमें किसी अर्थ के ग्रीन लैंटर्न को ही भेजना चाहिए। तभी गाय गार्डनर वहां आता है और उनकी बातों को सुनकर उनसे पूछता है कि तुम्हें लगता है कि सुपरमैन दुनिया पर राज करना चाहता है। गैंथेट बोलता है कि हमने उस पर नज़र तो रखी है, पर वो कुछ समय से कई देशों की बातों को नकार चुका है और हमें इसी बात की चिंता है। गाय गार्डनर को यकीन नहीं होता कि गार्डियंस उसी सुपरमैन की बात कर रहे हैं। तभी गार्डियंस बताते हैं कि काइल रेनर भी गायब है। गाय पूछता है कि क्या मतलब है इस बात का। गार्डियंस आगे बताते हैं कि वो अपने मिशन से लौटकर वापस जा रहा था, तभी उसकी रिंग सिग्नेचर गायब हो गए, जिसका मतलब किसी ने उसके रिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है और ऐसा कुछ ही लोग कर सकते हैं। तो हमें शक है कि इस बात का अर्थ पर हो रहे इवेंट से कुछ लेना देना है। गाय कहता है कि बहुत हो गया, मैं अपने दोस्त को ढूंढने जा रहा हूँ। गैंथेट कहता है कि बिल्कुल, पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। दूसरी तरफ अर्थ पे हेल जॉर्डन के प्लेन का इंजन ख़राब हो जाता है और वो उस पर से कंट्रोल खो देता है। कैरल कमांडिंग सेंटर से हेल को बताती है कि जल्दी वहाँ से निकलो, इससे पहले कि प्लेन नीचे गिर जाए। पर हेल मना करता है, ये कहते हुए कि मैं इसे सही सलामत नीचे उतार सकता हूँ। पर कैरल उसे वहाँ से निकल जाने को कहती है। हेल आगे कुछ बोलता इससे पहले ही उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। कैरल माइक पर ज़ोर से चिल्लाती है और एमरजेंसी क्रू को आवाज़ लगाती है। पर जैसे ही वो लैंडिंग सेक्शन पर पहुंचती है, वो देखती है कि प्लेन सही सलामत है। कैरल हेल से पूछती है कि क्या हुआ। हेल बताता है कि मैंने प्लेन संभाल लिया था। कैरल को कुछ समझ नहीं आता, वो कहती है कि मैंने रीड आउट देखे थे, प्लेन का इंजन पूरी तरह तबाह हो चुका था। तभी कैरल हेल को अपना हाथ दिखाने को कहती है। हेल अपना हाथ उठाता है और अपनी लैंटर्न रिंग दिखाता है और कैरल को समझाता है कि तुम करोड़ों का जेट तबाह होते हुए देखना चाहोगी या उसे सही सलामत लैंड करते हुए। कैरल उससे बोलती है कि तुमने पहले कभी प्लेन उड़ाते वक्त ये रिंग नहीं पहनी, तुम्हारा मानना था कि ये सही नहीं होगा। हेल बोलता है कि वो पुरानी बात थी, अब मैं किसी भी वक्त इसे नहीं उतार सकता। कैरल पूछती है कि क्या ये ओलिवर की वजह से है। हेल बोलता है कि वो तो है ही, पर अब सब बदल चुका है, ऊपर से गवर्नमेंट ने भी सुपरमैन को मारने की कोशिश करी। तभी हेल के कम्युनिकेटर पर कुछ मैसेज आता है और हेल वहाँ से जाने लगता है। कैरल कहती है कि हाँ जाओ, पर ये बताते जाओ कि पेपर पर क्या लिखना है कि एक मैजिक रिंग ने प्लेन की लैंडिंग करवाई। हेल रुक जाता है और कैरल से बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने ऐसे बात करी तुमसे। कैरल कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी प्लेन क्रैश हो जाता तो मुझे बड़ी रिपोर्ट बनानी पड़ती। फिर वो हेल को पकड़ के बोलती है कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम मुझे बता सकते हो। दूसरी तरफ वॉच टावर में सुपरमैन हेल को बताता है कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट को बंद करने वाली है। हेल बोलता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सुपरमैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा ना होने दो। हेल सुपरमैन से पूछता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। सुपरमैन हेल को बोलता है कि तुम ग्रीन लैंटर्न हो सेक्टर 2814 के, तुम्हें अर्थ के लोगों की रक्षा करने का ऑर्डर दिया गया है, तो जाओ वो करो। हेल समझ जाता है और बोलता है कि बिल्कुल यही होगा, फिलहाल ये बताओ कि वंडर वुमन कैसी है। सुपरमैन कहता है कि वो ठीक नहीं है।
डॉक्टर कह रहे हैं कि वो कल भी उठ सकती है या कभी नहीं। हेल उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि अमेजोनियस न्यूक्लियर ब्लास्ट झेल सकते हैं कि नहीं, तो तुम अभी मुझे वॉशिंगटन में नहीं मिलोगे। सुपरमैन बोलता है कि नहीं, उन्होंने मेरे साथ जो किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, पर फ्लैश तुम्हें वहाँ मिलेगा। हेल जाते जाते बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, और अभी तुम वंडर वुमन की चिंता मत करो, वो एक वॉरियर है, वो ज़्यादा दिन नीचे नहीं गिरी रहेगी। कैपिटल बिल्डिंग में स्पीकर गवर्नमेंट को बंद करने की अनाउंसमेंट करने जा ही रहे होते हैं कि तभी हेल उन्हें मना कर देता है। स्पीकर हेल पर चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की। तभी फ्लैश वहाँ पहुँचता है और बोलता है कि हमारे मन ने कहा ऐसा करने को, और तभी हेल जॉर्डन असेंबली का गेट बंद कर देता है ये बोलते हुए कि अब कोई कहीं नहीं जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर फेट के टावर में बैटमैन का फ़ोन बजता है। बैटमैन, जो कि अभी भी ठीक हो रहा है, डॉक्टर फेट से पूछता है कि आपके टावर में नेटवर्क कहाँ से आ रहा है। डॉक्टर फेट उसे कहते हैं कि हम हर जगह हैं और कहीं नहीं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। जटाना ब्रूस को बताती है कि हाँ यहाँ नेटवर्क आता है, पर एल्फ्रेड ब्रूस को फ़ोन उठाने से मना कर देता है। ब्रूस उसे समझाने की कोशिश करता है, पर एल्फ्रेड उसे बोलता है कि मुझे पता है ये किसका कॉल है और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कॉल अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा। बैटमैन पूछता है कि कहाँ। तब हम देखते हैं बारबरा गॉर्डन यानी ओरेकल को, जो कि प्रेसिडेंट का फ़ोन उठाती है। प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं कि बैटमैन कहाँ है, वो ज़िंदा तो है। ओरेकल कहती है कि सुपरमैन की मेहरबानी के बाद वो ठीक तो नहीं है, पर ज़िंदा है। आप मुझे बताओ आपने किस लिए फ़ोन किया। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं बिना किसी चेहरे वाली आवाज़ से बात नहीं करूँगा। ओरेकल कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, पर आपको पता होना चाहिए कि हम बैटमैन के साथ काम कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि ये दुनिया वापस इंसानों के हाथ में आ जाए। हम भी सुपरमैन की आर्मी को तोड़ देना चाहते हैं, और हमें विश्वास है कि बैटमैन ने ऐसा करने की चीज़ हमें दे दी है। फिलहाल आप ये बताएं कि हुआ क्या। प्रेसिडेंट बताते हैं कि कैपिटल बिल्डिंग की असेंबली में प्रॉब्लम आ गई है। तब हम देखते हैं कि असेंबली का स्पीकर ग्रीन लैंटर्न से कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लोगों ने हमें चुना है। ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि बिल्कुल, पर आप उनके लिए काम करना भूल गए। फिर हेल स्पीकर की जगह पर आके बोलता है कि तुम सारे लोग बस यहाँ बैठे रहते हो और बच्चों की तरह शोर मचाते हो, तुम्हें तो इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा करप्शन सबको साफ साफ दिख रहा है। तुम्हें लोगों के लिए काम करना चाहिए, और तुम लोग खुद के लिए काम करते हो। तो अब जब तक ये गवर्नमेंट बंद करने के फैसले पर रोक नहीं लगती, कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। स्पीकर हेल से बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। हेल स्पीकर की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि मैं ग्रीन लैंटर्न हूँ स्पेस सेक्टर 2814 का, और मुझे ऑर्डर दिए गए हैं कि मैं अर्थ पर शांति बनाए रखूँ, तो मैं अपना काम करूँगा और आप अपना। दूसरी तरफ वॉच टावर में वंडर वुमन की माँ हिपोलिटा अपनी बेटी को देखने आती हैं। सुपरमैन उन्हें बताता है कि ये तब हुआ जब डायना उसे बचा रही थी। हिपोलिटा सुपरमैन से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी बेटी अपने रास्ते खुद चुनती है। सुपरमैन आगे बताता है कि हमने अर्थ के बेस्ट डॉक्टर से पूछा, पर सबका यही कहना है कि डायना अब कभी नहीं उठेगी। हिपोलिटा सुपरमैन से कहती है कि वो ज़रूर उठेगी, हम डायना को थेमिस्केरा ले जा रहे हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे डॉक्टर बहुत काबिल हैं, पर वहाँ डायना को भगवान ठीक करेंगे। तभी अचानक वॉच टावर का अलार्म बजता है। सुपरमैन भाग के जाता है और रॉबिन से पूछता है कि क्या हुआ। रॉबिन कहता है कि हमसे कोई मिलने आया है, और तब हम देखते हैं सिनेस्ट्रो को, जो कि वॉच टावर के बाहर खड़ा होता है। हिपोलिटा अपने गार्ड्स के साथ बाहर आती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। सुपरमैन उनको चिल्ला के कहता है कि आप अभी डायना को लेकर टेलीपोर्टर पर जाओ, और सुपरमैन तुरंत सिनेस्ट्रो की तरफ जाता है। सिनेस्ट्रो अपनी रिंग से एक शील्ड बना के सुपरमैन को रुकने को कहता है, पर सुपरमैन उस शील्ड को तोड़ता हुआ उसके पास जाता है। सिनेस्ट्रो उसे समझाता है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया, पर सुपरमैन उसका गला पकड़ के उसे वॉच टावर से दूर ले जाते हुए मून पर पटक देता है। और जैसे ही सुपरमैन सिनेस्ट्रो को मारने जाता है, वैसे ही सिनेस्ट्रो उसे बोलता है कि प्लीज़ मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग तुम्हारे लिए आ रहे हैं, और वो तुम्हारी दुनिया को वापस पहले जैसा बना देना चाहते हैं। दूसरी तरफ असेंबली में स्पीकर वही फैसला सुनाते हैं जो हेल चाहता था। फ्लैश स्पीकर से कहता है कि देखा ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फैसला सुनते ही हेल वहाँ से जाने लगता है ये बोलते हुए कि अब आप लोग जा सकते हो।
असेंबली की एक मेंबर हेल से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें धमका के ऐसे ही चले जाओगे। तभी ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश देखते हैं कि कैपिटल बिल्डिंग के बाहर पुलिस की भीड़ लग गई थी। वो सब उन दोनों को अपनी जगह खड़े रहने का ऑर्डर देते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है और तब हम देखते हैं गाय गार्डनर और गैंथेट को। गाय गार्डनर हेल से बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम पूरे देश का दिमाग ख़राब कर पाओगे मेरे बिना। हेल गैंथेट की तरफ देखता है और गैंथेट हेल को कहता है कि मुझे सुपरमैन के पास ले चलो।